बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है, लेकिन इससे ठीक पहले कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी, जो कि 10 सितंबर 2021 को रिलीज हुई थी, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अब अपना पैसा वापस मांगा है। फिल्म को लेकर कंगना ने बॉलीवुड वालों की ऐसी तैसी करके रख दी थी और अपनी फिल्म की तारीफ न करने पर बॉलीवुड सितारों को बॉलीवुड माफिया तक बोल दिया था। कंगना रनौत अपनी जिस फिल्म को लेकर बॉलीवुड सितारों को काफी खरी खोटी सुना चुकी हैं, अब उसी फिल्म के नुकसान की भरपाई के लिए प्रोड्यूसर से पैसों की डिमांड की गई है। वैसे तो हाल ही के टाइम में कंगना रनौत की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर चुकी हैं, लेकिन यहां हम बात करने जा रहे हैं उनकी फिल्म थलाइवी की, जिसका एक्ट्रेस ने जमकर प्रमोशन किया था। आलम यह है कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना हर्जाना मांग लिया है। आपको बता दें, अपनी इस फिल्म के लिए कंगना ने फिल्म की तारीफ ना करने वालों पर अपनी भड़ास निकाली थी। कंगना ने फिल्म की तारीफ ना करने वाले सेलेब्स को बॉलीवुड माफिया तक कहा था और ये तक कहा था कि वो हमारे पॉलिटिकल और वैचारिक मतभेदों को दरकिनार रखे। मैं एक अच्छी कला की सराहना करना मुश्किल नहीं समझती। हो सकता है कि वो भी अपने तुच्छ ह्यूमन इमोशन से ऊपर उठें, एक कला को जीतने दे। थलाइवी। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत का ये पोस्ट काफी वायरल हुआ था और जिस तरीके से कंगना ने बॉलीवुड के सेलेब्स पर निशाना साधा था अपनी फिल्म को लेकर, उसी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अब अपना पैसा वापस मांगा है। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी सितंबर 2021 में रिलीज हुई। ये फिल्म बॉलीवुड की लेजेंड एक्ट्रेस और तमिलनाडु की सीएम रही जय जयललिता की बायोग्राफी है। हालांकि जहां फिल्म में कंगना को उनकी एक्टिंग के लिए काफी सराहा गया और बात अगर कमाई की करें तो फिल्म अपनी लागत तक रिकवर नहीं कर पाई। अब चर्चा है कि फिल्म की वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर जी ने फिल्म प्रोड्यूसर से 6 करोड़ रुपए की रिफंड की डिमांड की है। बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 6 करोड़ रुपए दिए थे, जो अपने पैसे कमा नहीं पाई। अब प्रोडक्शन कंपनी को जी ने ईमेल के जरिए पेमेंट की डिमांड करते हुए लेटर भेजा है, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि फिल्म को रिलीज हुए 1.5 साल से ज्यादा का टाइम हो चला है। रिपोर्ट्स की माने तो कंगना की फिल्म धाकड़ के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। कंगना की अगली फिल्म इमरजेंसी है, जिसे वो खुद डायरेक्ट कर रही हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए कंगना ने अपनी सारी जमा पूंजी को लगा दिया है। इस फिल्म में कंगना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आने वाली हैं और ये फिल्म इंडिया में इमरजेंसी के दौर की कहानी है। इस फिल्म में सतीश कौशिक भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की कमाई की बात करें थलाइवी की, तो करीब 100 करोड़ के बजट में बनी थलाइवी ने पहले दिन देश में मुश्किल से 22 लाख रुपए कमाए थे। वहीं लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो ये 2 करोड़ के आंकड़े को भी छू नहीं पाई। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने कुल मिलाकर देश भर में सिर्फ 1.91 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।